हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 के बचे हुए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि जो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने इस बार कवर नहीं करे हैं, और जिन लोगों को वो रिलेटेड सिलेबस के हिसाब से नहीं आ रहा है तो वो हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर से वो दो तीन क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि अब हमने कवर नहीं करे हैं इस वीडियो के अंदर, राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 की वीडियो हम रीलोड कर चुके हैं और आप उसके लिए प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हैं तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, और अगर आप पूरी 12th की एक साथ प्लेलिस्ट चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट भी आपके पास अवेलेबल है। एग्जाम्पल की अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अलग हमने प्लेलिस्ट बनाई है, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और वहां से आपको सर्च करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा डियर, अगर आप लोगों को दोनों बुक्स के टोटल फॉर्मूलाज एक ही जगह पर चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासिस थ्रू थ्री पॉइंट्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लेन्स हैं, प्लेन की इक्वेशन है उसके कितने फॉर्म हैं। तो ये हमने जो इसके इंट्रोडक्शन वीडियो है, एग्जाम्पल वीडियो है, प्लीज उसे जरूर जाके देखिए, उसी के बाद एक्सरसाइज आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। बिकॉज हमने केसेस बनाकर वहां पर लिखा है कि ये फर्स्ट केस होता है, सेकंड केस होता है, थर्ड केस होता है। तो उसमें से एक केस होता है जब आपके पास तीन पॉइंट्स गिवन होते हैं और आपको इक्वेशन बनानी होती है, राइट। वैसे तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कार्टेशियन बनानी है या वेक्टर बनानी है, तो हमने यहां पर कार्टेशियन फॉर्म ही बनाकर दिखाई है सिर्फ। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, तो कार्टेशियन फॉर्म होती है व्हेन थ्री पॉइंट्स आर गिवन, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, देन वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा डियर वो आपका हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन, एंड द सेकंड पॉइंट एक्स टू वाई टू जेड टू, एंड द थर्ड पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। कुछ नहीं करना, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया है, देखिए बहुत सिंपल है, x माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन। सेम ऐसा ही कॉलम अपने y के लिए बनाना है, सेम ऐसा ही कॉलम अपने z के लिए बनाना है, और इक्वल टू जीरो पहले से ही है बिकॉज इक्वेशन में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलरेडी होती है। अब आपने क्या करना है, आपने x1 y1 भी देख लिए हैं, तो आप यहां पर x1 रखेंगे तो ये जाएगा x माइनस वन, y माइनस वन, जेड प्लस वन हो जाएगा, राइट। देन आपको क्या करना है, x2 माइनस एक्स वन, देन 6 माइनस वन इज 5, राइट। देन आपको करना है x3 माइनस एक्स वन, माइनस 4 में से 1 गया, माइनस 5 आ गया, y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 दैट इज 3, y3 माइनस y1, तो ये आ गया आपके पास माइनस 3। सिमिलरली z2 माइनस z1, राइट, जेड पहले तो आपके पास ये तो हमने पुट कर ही दिया, जेड टू माइनस जेड वन, तो माइनस फाइव प्लस वन हो जाएगा, ये आपके पास माइनस फोर आ गया। नाउ जेड थ्री माइनस जेड वन, ये आपके पास फोर आ गया। अब आपने क्या करना है डियर, इसको एक्सपैंड करना है। लेकिन रुकिए, एक्सपैंड करने से पहले अगर आप एक चीज देखें तो इसके जो दो रोज हैं मोस्ट प्रॉब्ली सेम होने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगाई जिसमें आप ये कर सकते हैं कि आप देखेंगे अगर हम नीचे वाले जो थर्ड रो है उसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो हमने माइनस वन थर्ड रो में से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये माइनस 4 हो गया। और हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं कि अगर कभी भी दो रोज सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। अब कईयों के मन में ये सवाल आएगा, क्या मैम ये क्वेश्चन कट गया है, क्योंकि हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी तो कटी हुई है। अरे भाई नहीं, अगर आप चाहें तो इसे एक्सपैंड कर लीजिए। अगर आप इसे डायरेक्टली एक्सपैंड करते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, तो ऐसे केस में भी आपका यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जीरो आ जाएगा, आपकी इक्वेशन नहीं बन पाएगी, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं कटा हुआ, सिर्फ इसी सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक कटा हुआ है, प्रॉपर्टी वाला, राइट। और मुझे लगता है कि सब लोग उस टाइम तक प्रॉपर्टी की थोड़ी बहुत नॉलेज तो ले ही चुके थे, सिर्फ अब यही है कि आपको प्रॉपर्टी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। तो प्रॉपर्टीज पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, अगर आप एक्सपैंड के बिना ये कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे दो रोज जो है वो सेम हो गई, तो जिसका डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, जीरो। नाउ यहां पर तो इक्वेशन बनकर ही नहीं आई, और हमें तो कहा गया था कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए। तो डियर ऐसा तब होता है जब आपके पास या तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स बन सकते हो, या फिर कोई भी प्लेन की इक्वेशन इससे नहीं बन सकती हो। तो अगर लास्ट में ट्रू सिचुएशंस आ जाए, तो अब जीरो इक्वल टू जीरो दैट इज अ ट्रू सिचुएशन। तो यहां पर इसलिए ये बोल रहा है कि इन तीन पॉइंट से बहुत सारे प्लेन्स जा सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया कि हम कोई एक इक्वेशन नहीं बता सकते यहां पर, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज थ्री पॉइंट्स, राइट। चलिए इसका बी पार्ट समझते हैं। बी पार्ट में भी हमने कार्टेशियन फॉर्म ही ली है, फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ दिस इज एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, राइट। तो एक्स वन वाई वन जेड वन,
एक्स टू वाई टू जेड टू दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। अब ये पॉइंट पुट कर देते हैं, एक्स माइनस एक्स वन, राइट, एक्स माइनस वन आ गया यहां पर, वाई माइनस वन एंड जेड माइनस जीरो, देन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वन में से वन चला गया जीरो, देन एक्स थ्री माइनस एक्स वन, माइनस वन सॉरी माइनस टू माइनस वन इट्स माइनस थ्री, वाई टू माइनस वाई वन इट्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन दोबारा से वन आ गया आपके पास, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। नाउ जेड टू माइनस जेड वन, वन में से जीरो गया वन, जेड थ्री माइनस जेड वन दैट इज माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब आप यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, यहां पर कोई दो रोज या दो कॉलम सेम नहीं आ रहे हैं, तो हमने इसको नॉर्मली एक्सपेंड कर दिया। ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते हैं, प्लस माइनस प्लस, राइट। एक्सपेंड कैसे होता है, फर्स्ट डिजिट हमने ले लिया, देन ये वाला रो और ये कॉलम जो है हम हाइड कर देते हैं। नाउ दिस माइनस दिस, फॉर्मूले में यहां माइनस जरूर आता है, तो सबसे पहले माइनस वन फिर माइनस और इसको करा तो वन, यहां पर स्टैंडर्डली आपके पास माइनस है तो यह आ गया माइनस, और ब्रैकेट जरूर लगाइएगा प्लीज, क्योंकि दो डिजिट्स हैं यहां पर, है ना। तो ये कॉलम और ये रो भूल जाएंगे, ये हो गया जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फॉर्मूले में ही लगता है, फिर ये आ गया माइनस थ्री, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस थ्री। नाउ जेड एज इट इज जीरो प्लस थ्री, राइट। अब आप इसे जो है ओपन कर देंगे, यह माइनस टू, माइनस टू को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया माइनस टू एक्स प्लस टू, ये आपके पास है थ्री, इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा माइनस थ्री वाई, ये हो जाएगा प्लस वन, और फिर इसको इससे करेंगे तो थ्री आ जाएगा, और लास्ट है हमारे पास थ्री जेड। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ गई डियर, माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव को कॉमन लेने से अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये हो गया टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, नेगेटिव वहां जाके गायब। नाउ द फाइनल इक्वेशन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू फाइव। तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। आप चाहे तो वेक्टर इक्वेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो आप दोनों भी बनाकर दिखा सकते हैं। मेन चीज क्या है डियर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला पता था तो बड़े आराम से पता है कि पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन होगा, दूसरा एक्स टू वाई टू जेड टू होगा, और तीसरा आपके पास एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री होगा। और अगर आप वेक्टर फॉर्म बना रहे हैं तो ए वेक्टर जो है इससे बन जाएगा, बी वेक्टर जो है इससे बन जाएगा, और सी वेक्टर जो है इससे बन जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहता है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। तो आपके पास एक और फॉर्म होती है जिसको हमने फोर्थ केस करके बता रखा है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आए हैं तो आपके पास प्लेन की एक इंटरसेप्ट वाली भी फॉर्म होती है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू वन, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। जैसे आपने इंटरसेप्ट लाइन भी पढ़ी होगी इलेवेंथ क्लास में, वॉट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं पर कट करते हुए जाती है, तो जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करती है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, जहां वो वाई एक्सिस को कट करती है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। सेम प्लेन के लिए है ना, प्लेन जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वो ए पॉइंट, जहां वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा वो बी पॉइंट, जहां जेड एक्सिस को कट कर रहा होगा वो प्लेन दैट इज सी पॉइंट। तो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड दिस इज जेड इंटरसेप्ट, राइट। अब इसको हमें इस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना है। अगर हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल सी बात है कि राइट साइड पे वन चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, बोथ साइड फाइव से डिवाइड कर दिया, राइट। नाउ दिस बिकम टू अपॉन फाइव एक्स वन अपॉन फाइव वाई माइनस वन अपॉन फाइव जेड इक्वल टू वन। देन क्या है, यहां पर आपका कोफिशियंट क्या होता है डियर, वन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्या हम इस टू को अपॉन में ले जा सकते हैं, बिल्कुल। अगर ये फाइव बाय टू रहा होगा तो ये रेसिप्रोकल होकर टू बाय फाइव ही तो हो गया होगा। तो ये आपके पास देखिए इस तरीके से, और ये जो माइनस है देखिए यहां पर प्लस होता है, तो हमने यहां प्लस लगा दिया, और जो ये नेगेटिव था वो यहां पर कंसीडर कर दिया। अब आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन। तो हेयर ए इज फाइव बाय टू, बी इज फाइव एंड सी इज माइनस फाइव, यानी एक्स इंटरसेप्ट ये हो गया, वाई इंटरसेप्ट ये हो गया, और जेड इंटरसेप्ट आपके पास ये हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन विद इंटरसेप्ट थ्री ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन। इसका क्या मतलब है कि जो ये लाइन है, ये जो प्लेन है आपके पास, तो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपने बनानी है प्लेन की, ये वाई एक्सिस पे तो कट कर रहा है ये प्लेन, लेकिन एक्स और जेड के पैरेलल है, ओ मतलब ओरिजिन है यहां पर, यानी एक्स और जेड के पैरेलल है। देखो हम थ्री डी में तो नहीं, पर अगर मैं आपको टू डी में समझाने की कोशिश करूं, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो एक्स एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट बनाएगी ही नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगी, है ना। ऐसी अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी
तो वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाएगी, वाई और वाई पर तो बनाएगी नहीं. सेम अगर कोई भी प्लेन जेड और एक्स के पैरेलल है, इसका मतलब जेड पर और एक्स पर उसका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, राइट. हमें बनानी तो इक्वेशन यही थी, तो हमने इक्वेशन लिखी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू वन. क्योंकि ये जो प्लेन है ये जेड और एक्स के पैरेलल है, दैट मींस जेड और एक्स के साथ कहीं कट नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब ए जो एक्स इंटरसेप्ट है वो जीरो और जेड इंटरसेप्ट भी जीरो, और वाई इंटरसेप्ट उसने आपको पहले ही दे दिया था थ्री. तो यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें एक्स अपॉन जीरो जेड अपॉन जीरो तो दैट इज इन्फिनिटी, तो उसको हम नहीं लिखते, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए. बस ये आ जाएगा वाई अपॉन थ्री इक्वल टू वन. नाउ दिस इक्वेशन इज वाई इक्वल टू थ्री, राइट. और ऐसा ही होता है ना, जब हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है तो y इक्वल टू समथिंग होती है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल होती है तो x इक्वल टू समथिंग होती है. तो यही चीज यहां पर भी कहीं ना कहीं यूज हो रही है आपकी, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर. यहां पर आपके पास क्या है, देखिए इस एक्सरसाइज में एक तो वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके अलावा जितने भी ये इंटरसेक्शन प्लेन निकालने वाले हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा काम आपको एक्स्ट्रा करना है. तो आपके पास एक इक्वेशन थी जो कि आपको बताई गई थी कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है. देखिए जनरली हम इसको कैसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लेन, राइट, और ये एक और प्लेन और ये एक और प्लेन आपके पास, राइट, थ्री प्लेन्स. तो ये एक प्लेन है पी वन, ये एक प्लेन है पी टू, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये प्लेन जा रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये बीच वाला प्लेन जा रहा है. इसकी आपको इक्वेशन निकालनी है और उसी के लिए आपके पास यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं. और डियर देखिए मेरे को जनरली जो है कार्टेशियन फॉर्म बहुत पसंद है, इसलिए आप देखेंगे कि मैं कार्टेशियन फॉर्म से ही सारे क्वेश्चन कर देती हूँ, बाद में हम उसे वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं अगर वो मांग रहा है तो, बट थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर हम एक ही फॉर्मेटिंग फॉलो करें, राइट. बार बार फ्लक्चुएट करें तो थोड़ा सा दिक्कत होता है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. तो आपको दो प्लेन्स गिवन है और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता हुआ आपको प्लेन निकालना है, राइट, उसकी इक्वेशन निकालनी है. और ये पासिंग थ्रू पॉइंट काम जरूर आएगा, इसको भी यूज करेंगे. तो हमारे पास दो प्लेन्स की इक्वेशन दी है, हमारा रिक्वायर्ड प्लेन लेट कर लो पी थ्री है ना. तो अगर कभी भी आपका दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा हो तो उसकी इक्वेशन होती है पी वन प्लस लैमडा पी टू इक्वल टू जीरो, यानी प्लेन वन की इक्वेशन लैमडा प्लेन टू की इक्वेशन इक्वल टू जीरो. सिंपल लैंग्वेज, तो प्लेन वन इज हियर, दिस इज प्लेन वन, तो ये पुट कर दिया हमने. लैमडा प्लेन टू, ये रहा पूरा प्लेन टू, यहां पे पुट कर दिया आपने, इक्वल टू में जीरो. अब लैमडा से अंदर इंटू कर देंगे हम लोग इसको, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म एक साथ. तो देखिए इसमें से हमने एक्स कॉमन ले लिया थ्री प्लस लैमडा एक्स, ठीक है, इसमें से हमने y कॉमन ले लिया सिर्फ y, तो आ जाएगा माइनस वन प्लस लैमडा, और इसमें से हमने z कॉमन ले लिया टू प्लस लैमडा, और बाकी का जो कांस्टेंट था वो हमने अलग कर दिया माइनस फोर माइनस टू लैमडा. ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हो पाया है ना, इसमें क्या चीज दिक्कत कर रहा है, सिर्फ लैमडा. अगर लैमडा निकल कर आ जाए उसके बाद ये प्लेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज अ पी थ्री प्लेन. इसके लिए ही उसने आपको क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू पॉइंट. ये पासिंग थ्रू पॉइंट किसका दे रखा है, वही रिक्वायर्ड प्लेन का. अगर ये पॉइंट उस प्लेन पर पासिंग थ्रू है, इसका मतलब उस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो आपने एक्स वाई जेड की जगह टू टू वन रख देना है. तो यहां एक्स की जगह टू, वाई की जगह टू और जेड की जगह हम वन रख देंगे, हमारे पास ऑटोमेटिकली लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. तो देखिए हमने टू पुट कर दिया यहां पे टू, यहां पर वन, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज सिक्स प्लस टू लैम्डा माइनस टू प्लस टू लैम्डा टू प्लस लैम्डा एंड दिस. अब माइनस टू से टू कट गया आपके पास, सिक्स माइनस फोर दैट इज टू, टू लैमडा प्लस टू लैमडा, एक टू लैमडा से टू लैमडा भी आपका कट गया, ये बचा थ्री लैमडा. तो आपके पास लैमडा की वैल्यू कितनी आ गई डियर, माइनस टू अपॉन थ्री. बस एक बार लैमडा की वैल्यू निकल गई फिर तो कोई परेशानी नहीं है. जो आपके पास ये लैमडा की वैल्यू निकली है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जहां जहां आपको लैमडा नजर आ रहा है वहां वहां माइनस टू बाई थ्री पुट कर देंगे. तो यहां पर हमने पुट कर दिया माइनस टू बाई थ्री, यहां पर भी माइनस टू बाई थ्री, आप देख सकते हैं माइनस टू बाई थ्री और माइनस टू बाई थ्री, राइट. और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया डियर, दैट इज नाइन माइनस टू सेवन बाय थ्री, दिस इज माइनस फाइव बाय थ्री. उसके बाद हमने थ्री एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके वो राइट साइड पे चला जाएगा और आपकी इक्वेशन आ जाएगी सेवन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर जेड माइनस एट इक्वल टू जीरो, और एट को आप स्टैंडर्डली जो है वो राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन,
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। बस अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है, इस बार हमसे वेक्टर इक्वेशन पूछी है। हम अपना मेथड नहीं बदलने वाले, हम वही करने वाले हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है, बस वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा आंसर कार्टेशियन में आएगा, हम बाद में उसे वेक्टर में कन्वर्ट करके दे देंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैम अगर वेक्टर में आएगा तो वेक्टर में ही करना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपके मेथड को कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हमारे पास फिर से वही रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन वन प्लस लैम्डा प्लेन टू इक्वल टू जीरो। नाउ प्लेन वन आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके पास प्लेन है ना, कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन बहुत आसान होता है। आई जे के हटा के एक्स वाई जेड लगा दो, बन गया आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। नाउ दिस इज टू एक्स प्लस टू वाई, सॉरी हमने प्लेन वन पहले ये बना दिया है, 2x प्लस 5y प्लस 3z और जो इक्वल टू 9 है उसको उधर ले जाइए, माइनस 9 इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली ये आपके पास प्लेन टू बन गया, 2x प्लस 2y माइनस 3z और ये माइनस 7 इधर आ गया इक्वल टू 0। और यही अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना होता तो क्या करते, r वेक्टर, x y z की जगह i j k लगा दो, तो बन गया r वेक्टर 2y 5j 3k इक्वल टू में 9, ठीक है। तो एक कन्वर्जन समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा, हर क्वेश्चन को कार्टेशियन में कर सकते हो, बाद में वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो प्लेन वन प्लेन टू हमारे पास हमने बना लिए, अब हमने फिर से वही करा, प्लेन वन को पुट कर दिया लैम्डा प्लेन टू, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो ये प्लेन वन लैम्डा प्लेन टू, लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनमें से एक्स कॉमन ले लिया, तो इसमें से अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे टू प्लस टू लैम्डा, तो यहां से हमने y वाला y कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5 प्लस 2 लैम्डा, यहां से हमने z कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3 माइनस 3 लैम्डा और बाकी आपके पास बचा माइनस 9 माइनस 7 लैम्डा, राइट। उसके बाद ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन क्रिएट हो गया P3। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ लैम्डा अगर आ जाए तो हमारी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए उसने आपको डियर क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू पॉइंट, और ये पासिंग थ्रू पॉइंट किसका होता है, रिक्वायर्ड प्लेन का ही होता है। यही कहा जाता है कि ये 213 जो है इस प्लेन पर लाई करता है, तो अगर इस प्लेन पर लाई करता है तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी आप एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 1 और जेड के प्लेस पर क्या रख सकते हैं 3, तो वो पुट कर देते हैं, एक्स के प्लेस पर 2, वाई के प्लेस पर 1 और जेड के प्लेस पर 3 पुट कर दिया हमने, राइट। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को अंदर 3 को अंदर, जो चीजें कट हो रही हैं वो काट दीजिए, आपके पास सिंप्लीफाइड होकर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, उस लैम्डा की वैल्यू को ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वहां पर आप क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट, और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। तो ये हमने इक्वेशन लिखी फिर से, और यहां पर लैम्डा की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी 9/10, तो ये हो जाएगा 18/10, यहां पर भी 18/10, ये हो जाएगा 27/10 और यहां पर 9/10, राइट। अब इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एलसीएम लिया डियर 10, 10 जो है वो राइट साइड पे जाके जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई 38x प्लस 68y प्लस 3z माइनस 153 इक्वल टू जीरो, राइट। तो स्टैंडर्ड जो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड करा गया था, वैक्टर इक्वेशन। तो बहुत आसान है, आपने क्या करना है, आर वैक्टर डॉट एक्स वाई जेड की जगह हटा के क्या लगा देना है, आई जे के, तो 38i 68j 3k इक्वल टू में 153, राइट। तो देखिए आप दोनों चीजों को ध्यान से देखिए, अगर आपने इससे इसमें कन्वर्जन करना हो या इससे इसमें कन्वर्जन करना हो, इट्स वेरी नाइस और इजी, आई जे के हटा के एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हटाकर आई जे के लगाना है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि आर वेक्टर जरूर होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन से, बट थोड़ा सा काम अलग करने को कहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, फिर से वही दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। अभी तक हमार को लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये दे रखा था पासिंग थ्रू पॉइंट, बट उसकी जगह हमें दे रखा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी जो प्लेन आपको निकालना है दैट इज पी थ्री, यानी रिक्वायर्ड प्लेन, वो इस एक और प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उसकी मदद से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए देखते हैं, रिक्वायर्ड प्लेन फिर से वही पी वन प्लस लैम्डा पी टू, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेन है, और ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट साइड पे होना चाहिए पूरा का पूरा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आपका प्लेन वन, तो इतना आ गया जीरो हटाकर, ये भी टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस फाइव, ये आपका प्लेन टू हो गया इक्वल टू में जीरो। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म एक तरफ, यानी इसमें से एक्स कॉमन ले लोगे तो वन प्लस टू लैम्डा, इसमें से वाई कॉमन ले लोगे तो वन प्लस थ्री लैम्डा, इसमें से जेड कॉमन ले लोगे तो वन प्लस फोर लैम्डा, और बाकी कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज। अब ये हमारा पी थ्री प्लेन है, इस बार पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं दिया, इस बार ये दिया है कि जो पी थ्री प्लेन है ये इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं डियर, तो उनके डायरेक्शन रेशोज
या डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीपल किसके इक्वल होता है? जीरो। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ये रहे आपके पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है आपके पास, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हो गए 1, -1 और 1, तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीपल आपके पास जीरो हो जाएगा, जिससे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास प्लेन 4 है और हमें दे रखा है जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो प्लेन 4 पे परपेंडिकुलर है। तो चाहे आप डायरेक्शन रेशियो लिख दो या डायरेक्शन कोसाइन, एक ही बात है, दोनों में वैसे डिफरेंस होता है, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर क्योंकि वहां जाके जीरो हो जाता है इसीलिए हम सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो L1 L2 प्लस M1 M2 N1 N2 इक्वल टू जीरो। तो L1 M1 N1 आपको प्लेन 3 से मिल गया था जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट थे, और ये 1, -1 और 1 ये इसके कोफिशियंट है एक्स वाई जेड के, राइट। तो यहां से अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/3, और ये लैम्डा की वैल्यू आपने कहां रखनी है? जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन थी, जो आपने P3 की इक्वेशन बनाई थी। तो यहां पर हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे -1/3, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये तो खैर जीरो हो गया तो इसे गायब कर दीजिए, यहां पर आपके पास फिर से एलसीएम 3 आ जाएगा और 3 राइट साइड पर जाके गायब हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन गई x+0y -z+2=0। अगर आप चाहो तो ये जो 2 है इसे राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं, राइट। चलिए तो ये आपके पास 3 बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो बाकी का पोर्शन है आपके पास 12, 13 वो कटा हुआ है तो वो हमने नहीं लिया है यहां पर। 14th क्वेश्चन में अब आपके पास क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। जिन लोगों ने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर अच्छे से करा है उनको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद होगा, ऐसा लगेगा कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में था एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो वैसा सही फॉर्मूला, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिए। एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ax1+by1+cz1 -d√a2b2c2। ये ए बी सी डी कहां से आएंगे? प्लेन से। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन को आप सब कुछ जो है वो लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाइए। अब आपके पास इनके जो कोफिशियंट है वो ए बी सी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -4, सी की वैल्यू हो जाएगी 12 और डी की वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3, ठीक है, अगर राइट साइड पर है तो। अब आपके पास यहां से अगर आप देखें तो x1 y1 z1 आपके पास ये हो गया, x1 y1 z1 आपके पास ये हो गया। तो सॉरी, यहां पे डी की वैल्यू आ गई आपके पास -3, वो भी पुट कर देंगे, और x1 y1 z1 क्या हो गए? 0, 0, 0। तो ये आपके पास x1 y1 z1 हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -4, सी की वैल्यू आ गई 12 और डी की वैल्यू आ गई -3। तो पुट कर देते हैं, देखिए a इंटू x1, क्योंकि x1 y1 z1 जीरो है तो ये वाली तीनों चीजें तो आपकी जीरो होने वाली हैं, ठीक है ना। d क्या था? -3, -+ हो गए यहां पर, ठीक है। होल अपॉन में a²b²c², यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 169, उसका स्क्वायर रूट आपके पास 13। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ गया, जो कि हमें पॉइंट दे रखा था, 3/13, यानी इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस 3/13। और इस बात का याद रखिएगा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमेशा मॉडुलस से पॉजिटिव बाहर निकलेगा। सेम यही काम हमें इस पार्ट में भी करना है। तो आपके पास ये हो गया x1 y1 z1, और यहां से a हो गया 2, b हो गया -1, c हो गया आपके पास 2 और d हो गया आपके पास 3। तो क्या हो जाएगा? a इंटू x1, राइट, -1 इंटू -2 प्लस 2 2 इंटू 1 दैट इज 2, और d हमारा है +3, होल अपॉन में a² दैट इज 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहां से एबीसी आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2, बी की वैल्यू कितनी है? -1, सी की वैल्यू कितनी है? 2 और डी की वैल्यू कितनी है? 3। बस अब फॉर्मूले में पुट कर देना है आपने, राइट। तो एक पार्ट हम आपको करके दिखाते हैं, ये देखिए ये आपका x1 y1 z1 हो गया, और यहां से एबीसी भी हम बताते हैं आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? a इंटू x1, a की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 2, तो a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस सी -2 इंटू -5, कितना आ जाएगा? 10 प्लस सॉरी माइनस डी, तो ये डी इधर आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? -9, तो ये +9 हो जाएगा, होल अपॉन में a², 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, राइट। सॉरी डी ये उधर है ना, तो ये आपके पास -9 आएगा यहां पर, राइट। या तो आप इसे इधर ले आइए तो आपको पता चल जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना।
तो अगर ये राइट साइड पर है आपके पास तो ये माइनस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस है, तो डी की वैल्यू ओरिजिनली वही होती है। जैसे यहां पर डी की वैल्यू कितनी थी, ऊपर जो था डी की वैल्यू 3 थी एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब यहां अगर आप डी की वैल्यू उधर लेकर जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो डी जो है वो राइट साइड पर होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आपका डी ऑलरेडी राइट साइड पर था 9, तो हमने यहां पुट करा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9/3। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 3। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।